तो नमस्कार दोस्तों दोस्तों मैं आपका काउंसलर दोस्त राजवीर राजपूत स्वागत करता हूं एक और वीडियो में। दोस्तों काफी लंबे समय के बाद हम वीडियो बना रहे हैं। आज की वीडियो भी रहने वाली है डायबिटीज के ऊपर। जैसे कि कुछ समय पहले मैंने आपसे वादा किया था कि एलोपैथ और आयुर्वेद के अलावा जो बाकी पद्धतियां हैं, जिसमें नेचुरोपैथी है, होम्योपैथी है, योग है, उनमें डायबिटीज का क्या कोई ट्रीटमेंट पॉसिबल है, अगर है तो कैसे होता है, इस पे मैं वीडियो बनाऊंगा। उसी वादे के अनुसार मैं आज डॉक्टर विनोद जी के क्लिनिक पे आया हुआ हूँ और ये होम्योपैथी ट्रीटमेंट देते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो ये डायबिटीज है, शुगर है, इसका ट्रीटमेंट क्या होम्योपैथी में संभव है, अगर है तो वो कैसे है। तो इन्हीं सब बातों के ऊपर आज हम बात करेंगे डॉक्टर साहब से और उनसे जानेंगे होम्योपैथी और डायबिटीज दोनों के बारे में। नमस्कार डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। और मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि होम्योपैथी क्या है, ये पद्धति क्या है? होम्योपैथी प्रकृति के सिद्धांतों पर आधारित एक चिकित्सा पद्धति है, जिसमें एक चीज और इसकी खासियत है, जितने भी चिकित्सा पद्धति हैं, एलोपैथी हो, आयुर्वेद हो या कोई भी हो, उसमें दवाइयों की जो प्रूविंग होती है वो एनिमल्स पर होती है, ज़्यादातर जानवरों के ऊपर होती जो है, उनका रिसर्च होता है। हाँ, लेकिन अच्छा, होम्योपैथी ऐसी चिकित्सा पद्धति है दुनिया में जिसकी प्रूविंग हेल्दी ह्यूमन बींग्स पर होती है। फिजिशियन हिमसेल्फ जो है दवाइयों को प्रूव करता है, क्योंकि ये दवाइयाँ ऊर्जा है, ऊर्जा पर आधारित हैं। क्योंकि रोग, अगर प्राण शरीर में कोई प्राण ऊर्जा है तो जो रोग है वो भी ऊर्जा ही होगा, समान को ही ठीक करता है। डॉक्टर साहब, इस पॉइंट को थोड़ा सा खुल के, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है वो गांव से भी है, तो थोड़ा सा खुल के और सिंपल लैंग्वेज में, आसान भाषा में बताइए कि ऊर्जा क्या है, जिस पद्धति को आप बता रहे हो ऊर्जा। जी बिल्कुल, हमारे शरीर को चलाने के लिए एक ऊर्जा चाहिए। जो भी हम खाना पीना खाते हैं या जो भी खाते हैं, उससे हमारे शरीर में एक ऊर्जा पैदा होती है, एनर्जी मिलती है, और वो एनर्जी जो है उससे हम सोचते हैं, देखते हैं, काम करते हैं, ये सारी एनर्जी है। उस एनर्जी को आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, उसके प्रभाव को समझ सकते हैं। तो रोग उस लेवल पे, जब कोई रोग पैदा होता है तो उस लेवल पे डिस्टर्बेंस होना चाहिए एनर्जी पे, और वहीं से ही उसको ठीक करना चाहिए। हम हमेशा उल्टा कर रहे हैं, डिस्टर्बेंस हुआ है एनर्जी लेवल पर और हम ठीक कर रहे हैं फिजिकल लेवल को, तो हम रोग को क्या दबाते चले जाते हैं। आप किसी एक रोग के लिए दवाई लेंगे, उस रोग से वो रोग तो दब जाएगा, लेकिन उसके समानांतर कोई दूसरा रोग पैदा हो जाएगा, और इस प्रकार से ये अंतहीन प्रक्रिया चलती रहती है, व्यक्ति कभी स्वस्थ होता नहीं है। मतलब जो ये आपकी पद्धति है, इसमें एनर्जी को ठीक करता है, हाँ, क्योंकि डिस्टर्बेंस एनर्जी लेवल पर है, ठीक है, तो जिस लेवल पे डिस्टरबेंस हुआ है वहीं से ही उसको ठीक किया जाएगा। चलिए एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। हम एक उदाहरण लेते हैं कि कोई एक बच्चा है, जब वो 5 साल का था तब जो है उसकी माँ मर गई, ठीक है, उसके बाद 7-8 साल की उम्र में उसको टाइफाइड हुआ, ठीक है, और जब वो हमारे पास आया 11-12 साल की उम्र में, तो उसको इन्फ्लुएंजा होता था, बार बार एलर्जी होती थी, बार बार जुकाम लगना, ये सब के लिए वो आता था। तो उसका जब ट्रीटमेंट देखा, उसका सारा केस लिया, केस लेने के बाद में जब उसका एनालिसिस करने के बाद जो प्लान बनता है कि ट्रीटमेंट का प्लान क्या है, पेशेंट का डिस्टरबेंस कहाँ है बीमारी का, तो पहले सबसे पहले टॉप लेयर जो एलर्जी की लेयर है वो रिमूव होगी। जैसे वो रिमूव होगी, टाइफाइड जो दबा हुआ है उसके लक्षण अपने आप आने लग जाएंगे, फिर आएंगे वो दोबारा। जब तक उस टाइफाइड की जड़ को ख़त्म नहीं किया जाएगा तब तक टाइफाइड कभी ठीक नहीं होगा शरीर में से। उसके बाद उसके मन में जो एक दुख बैठा था 5 साल की उम्र में माँ मरने की वजह से, जो एक ग्रीफ उसके माइंड में बैठ गया था, उसको भी एक दवाई दे के ख़त्म किया जाए, तब वह वैसा ही हो जाएगा जैसा वो ओरिजिनल स्टेट में था। ये होम्योपैथी का। चलिए अब जो मूल सवाल है मेरा वही है कि जो शुगर है, डायबिटीज़ है, क्या इसका ट्रीटमेंट होम्योपैथी में है? पहली बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ आपको भी और ऑडियंस को भी, कि होम्योपैथी कभी भी किसी बीमारी के नाम से कभी इलाज नहीं करती है।
अच्छा, हमारे पास शुगर का कोई इलाज नहीं है, होम्योपैथी में कोई इलाज नहीं है, अगर सीधी भाषा में बात बिल्कुल की जाए तो, है ना? किसी भी बीमारी के नाम से कोई इलाज नहीं है, क्योंकि मतलब शुगर ही नहीं, किसी भी बीमारी के नाम से कोई इलाज होम्योपैथी में नहीं है, सीधी भाषा में अगर बात की जाए बिल्कुल तो। यही है। अब इसको दूसरी लैंग्वेज में भी समझ लेते हैं, क्योंकि होम्योपैथी लक्षणों के आधार पर ट्रीटमेंट करती है। ठीक है, जब होम्योपैथिक दवाइयों की प्रूविंग होती है तो उनके लक्षणों को नोट किया जाता है, वो हर उम्र के व्यक्ति से, स्त्री पुरुष बच्चा सबके ऊपर उनकी प्रूविंग होती है। उसके सिद्धांत पर मेटेरिया मेडिका एक ग्रंथ बनता है, दवाइयाँ होती हैं उसमें, तो उसका सिद्धांत यही है कि होम्योपैथी व्यक्ति का इलाज करती है तीनों लेवल पे, चाहे वो शारीरिक स्तर हो, बौद्धिक स्तर हो या मानसिक लेवल हो, व्यक्ति इन तीनों लेवल पर ही बीमार होता है। तो शुगर एक लक्षण है हमारे लिए, केवल मात्र एक लक्षण है। आप मेरे पास आएँ कि डॉक्टर साहब शुगर की दवाई दे दो, तो मेरे पास कोई दवाई नहीं है। शुगर की वजह से आपको परेशानी क्या हो रही है वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपको बार बार पेशाब जाना पड़ रहा है, या आपका वजन घट गया है, आपको कमजोरी आ गई है, आपको आँखों से कम दिखाई दे रहा है, आपकी सोचने की शक्ति कम होती जा रही है, आपका दिमाग काम कम करने लग रहा है, शारीरिक क्षमता कम होती जा रही है, या भूख ज़्यादा लग रही है, प्यास ज़्यादा लग रही है, जो भी तमाम तरह के लक्षण हैं वो, प्लस ये लक्षण पैदा होने के पीछे की वजह क्या है, ये लक्षण जो आपको आ रहे हैं ये किस वजह से पैदा किस वजह से आ रहे हैं, उस वजह को फाइंड आउट करना होम्योपैथी का काम। तो वो तो सीधी सी बात है कि आपकी पेनक्रियाज ठीक से काम नहीं कर रही, इंसुलिन नहीं बन रहा, तो जो आपने खाना खाया है वो खून में उसका जो कार्बोहाइड्रेट लेवल है वो बढ़ गया, जिस वजह से शुगर इंक्रीज हो गई और ये लक्षण आ रहे हैं। तो पेनक्रियाज क्या अपने आप में जिंदा रह सकती है क्या? नहीं, नहीं रह सकती ना, क्योंकि ये एक सारे अंग शरीर के एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे पर आधारित हैं, एक दूसरे की क्रिया प्रतिक्रिया के सिद्धांत के अनुसार ये काम करते हैं। पेनक्रियाज कभी अपने आप में अकेला, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो पेनक्रियाज के कार्य करने की क्षमता में जो बाधा आई है, या तो वह उतना इंसुलिन हार्मोन बना नहीं पा रही है, या उसके पास में वो रिसेप्टर नहीं आ रहा है रिलीजिंग फैक्टर, जो यहाँ से आता है हाइपोथैलामस से, कि भाई तुम पेनक्रियाज इतना इंसुलिन तुम्हें सिक्रेट करना है, या तो वो उसको नहीं कर पा रही है, या उसके बीटा सेल में कोई प्रॉब्लम हो गई है, कुछ तो हुआ ही होगा। बिल्कुल ठीक। तो ये जो कुछ हुआ है पेनक्रियाज लेवल पर, जो गड़बड़ हुई है, वो गड़बड़ कहाँ हुई है, किसकी वजह से हुई है, उसके पीछे के कारण क्या हैं, जब तक वो ठीक नहीं होंगे, आप दुनिया में कोई भी दवाई खाते रहो, शुगर कभी ठीक नहीं हो सकती। ठीक है, तो होम्योपैथी में आप किस तरीके से पता लगाते हैं कि इसका रीज़न क्या है, कारण क्या है? एग्जैक्टली, मेरे पास शुगर के पेशेंट आए, अब मैंने उनसे केस लिया, तो उसमें बहुत सारे अलग अलग फैक्टर हो सकते हैं। सबसे पहला फैक्टर जो मोस्टली कॉमन देखा जाता है कि किसी तरह का कोई पेशेंट को इमोशनल कोई ट्रॉमा हुआ हो, या उसको कोई वर्कलोड ज़्यादा हो किसी भी टाइप का, जिसकी वजह से वो स्ट्रेस में रहने लगा हो, तो कोई ना कोई ऐसा जो ट्रिगर है, फैक्टर है, जिसकी वजह से उसका जो वर्किंग है इंसुलिन की, या उसकी जो पेनक्रियाज की जो वर्किंग है वो डिस्टरबेंस होती है, उस डिस्टरबेंस की वजह से उतना प्रोडक्शन नहीं हो पाता है उसका इंसुलिन का, इस वजह से जो सिम्टम उत्पन्न होते हैं। तो हम उसको वहाँ जो उसके मेंटल लेवल पर जो डिस्टर्बेंस हुआ है उसको ठीक करेंगे, वो ठीक होगा तो पेनक्रियाज अपने आप काम करेगा। दूसरा उदाहरण मैं बताता हूँ, कोई पेशेंट है उसको हर साल कोई पेशेंट है उसको हर साल या साल में दो बार टाइफाइड हो रहा है, और पिछले 4-5 साल से लगातार ये प्रक्रिया चली आ रही है। 5 साल के बाद जब वो पता जांच कराता है डॉक्टर के पास में, तो पता चलता है कि आपको तो शुगर भी हो गया है। तो शुगर के पीछे का कारण क्या रहा, जो रिपीटेड एक्सपोजर है टाइफाइड का, उसको जब तक ठीक नहीं करेंगे तब तक वो शुगर ठीक नहीं हो सकती। यानी कि बीमारी जो आ रही है शुगर, वो कहाँ से आ रही है वो ठीक करना ज़रूरी है। और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं और बताएंगे। तो अभी होम्योपैथ के अंदर आप कौन सी दवाई देते हैं, बेसिकली क्या देते हैं, क्या पद्धति है, कितना ट्रीटमेंट करते हैं, कितना लंबा करते हैं, क्या परहेज हैं, ये सब कुछ? पहली बात तो ये हमें क्लियर कर लेना चाहिए कि होम्योपैथी को लेकर ना कुछ गलत धारणाएँ बनी हुई हैं। पहली धारणा ये है कि ये जो पद्धति है ये बीमारी को बढ़ाती है और फिर कम करती है, ये सरासर गलत है, ऐसा कभी नहीं होता है। दूसरी धारणा ये है कि इनमें इलाज बहुत लंबा चलता है, धीरे काम करती हैं, ऐसा नहीं होता है कभी भी, ये केवल एक भ्रामक प्रचार है।
रोग की प्रकृति पर निर्भर करता है, रोग की इतिहास पर निर्भर करता है, कितना पुराना रोग है, उसकी प्रकृति कैसी है, व्यक्ति का लाइफ स्टाइल क्या है, उस पर निर्भर करता है। डायबिटीज़ का तथाकथित जो मॉडर्न चिकित्सा विज्ञान है, जिसको हम एलोपैथी बोलते हैं, आज तक कोई भी चिकित्सक ये बता दे कि उसने एक भी डायबिटीज़ का पेशेंट ठीक किया हो पूरी दुनिया में, वो रोक लगाते हैं, कंट्रोल करते हैं, ठीक नहीं हो सकता लाइफ है। टाइम के लिए कंट्रोल करेंगे, आपको दवाइयां देते रहेंगे। तो जीवन भर हमारे लिए एक गोली बन जाती है। अब ये गोलियों का सिलसिला ऐसे चलता है कि एक आपको डायबिटीज़ की अगर गोली बन गई तो जीवन भर खानी पड़ेगी। धीरे धीरे जो है अपने वो दोस्त को भी ले आएगी थायराइड को, फिर उसकी गोली भी साथ में खानी पड़ेगी। थोड़े दिनों बाद पता चलेगा कि अब बीपी भी होने लग गया है, तो तीसरा दोस्त भी उसका आ जाएगा। तो ये तीनों जो है आपस में दोस्त हैं, एक आ जाए तो दो को अपने आप ले आते हैं, और जब तीनों आ जाते हैं तो फिर शरीर में कॉम्प्लेक्स डिजीज़ पैदा होने लगती है, फिर चाहे वो और कोई भी तरह की बीमारी हो। एक बार क्वेश्चन आप फिर से रिपीट करें, अभी आपने क्या पूछा था? मैंने ये पूछा था आपसे कि जो डायबिटीज़ है उसका ट्रीटमेंट होम्योपैथिक में क्या परमानेंट हो जाता है, मतलब क्या कितने टाइम तक दवाइयाँ लेनी पड़ती है, और क्या उससे परमानेंट मरीज छुटकारा पा लेता है बीमारी से। देखिए, दो तरह की जो है कैटेगरी होती है बीमारियों की, ये ठीक है, समझना ज़रूरी है। पहली होती है क्योरेबल डिजीज़, दूसरी होती है इनक्योरेबल डिजीज़। इसके अलावा और कोई कैटेगरी नहीं है। क्योरेबल डिजीज़ जितनी भी हैं वो 100% क्योर होती हैं होम्योपैथी में। तो डायबिटीज अब क्योर, डायबिटीज़ हाँ हर डिजीज़ का अपना एक लेवल होता है। जब वो डिजीज़ इनक्योरेबल कंडीशन में आ जाती है तो फिर उसका एक केवल रोकथाम हो सकती है, वो ठीक नहीं हो सकती। टाइप 1 टाइप 2, टाइप 1 टाइप 2 कोई भी हो, इंसुलिन डिपेंडेंट हो या इंसुलिन इंडिपेंडेंट हो, दोनों ही अगर वो क्योरेबल कंडीशन में हैं तो वो हम परमानेंट ठीक हो सकती हैं, और वो इनक्योरेबल स्टेज में पहुंच चुकी हैं तो उनकी केवल रोकथाम हो सकती रोकथाम। दोस्तों मैं मेरी हर वीडियो में आपसे यही बोलता हूँ कि अगर आप फर्स्ट फेज में हैं, मतलब आपकी पेन क्रियाज काम कर रही है, बीटा सेल्स काम कर रहे हैं, ठीक है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है आपको, तो वही बात है जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि क्योरेबल और नॉन क्योरेबल। इनक्योरेबल। तो अगर क्योर ठीक होने की कंडीशन में है तो आप ठीक हो जाएंगे, परमानेंट ठीक हो जाएंगे, मेरी हर वीडियो में आपसे यही बोलता हूँ। और अगर आप ठीक होने की कंडीशन में नहीं है, यानी कि आपकी पेन क्रियाज बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुकी है, तो फिर आप एटलीस्ट उसकी रोकथाम तो कर ही सकते हैं। तो मैं मेरी हर वीडियो में ये बोलता हूँ। अभी हम होम्योपैथ के ऊपर बात कर रहे हैं, और इसमें भी अगर वो ठीक होने की दशा में है, कंडीशन में है, तो वो ठीक हो जाती है। कितना टाइम लगता है डॉक्टर साहब इसमें होम्योपैथ में, अगर बात करें तो? मान लो कोई मरीज आपके पास आया और वो ठीक होने की कंडीशन में है, तो उसमें कितना टाइम लग जाता है, और दवाइयों के परहेज क्या हैं, और ये कितना कॉस्टली, क्या कॉस्ट पड़ती है, कॉस्टली है कितना, क्या होम्योपैथ ट्रीटमेंट, तो इसके बारे में आप बताइए थोड़ा। पहली बात तो ये सवाल ही गलत है कि कितना टाइम लगता है। ठीक है, ये कोई नहीं बता सकता कितना टाइम लगता है, ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। मिनिमम और मैक्सिमम हम बात कर ले, मिनिमम कितना कम टाइम से लगता कम है। 7 दिन में भी ठीक हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल भी लग सकते हैं। अच्छा, तो ये इसका कुछ बता नहीं सकते अभी किसका 7 साल कितना। लग रही है किसी को, तो इसमें खर्चा कितना आ जाता है मेडिसिन्स में? अच्छा, होम्योपैथी दुनिया की सबसे सस्ती दवाइयाँ हैं। मेरा अगर बात करें, वैसे तो होम्योपैथी में ऐसे भी डॉक्टर हैं जो 10-10 हज़ार रुपये फीस भी लेते हैं। आप साउथ में, अमेरिके, इधर महाराष्ट्र साइड में जाएंगे तो 10-10 हज़ार, 5-5 हज़ार रुपये वो लोग कंसल्टेशन फीस लेते हैं, एक ठीक एक महीने है की दवाई भी देते हैं। ठीक है, लेकिन होम्योपैथी एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो उस अंतिम व्यक्ति तक जा सकती है। यहाँ आप कम से कम 10 रुपये तक का भी इलाज आप दे सकते हैं पेशेंट को, बड़ी से बड़ी बीमारी में। तो बेसिकली डायबिटीज़ की बात करें तो डायबिटीज़ पूरी तरह से क्योर हो सकता है होम्योपैथ से, अगर वो क्योरेबल कंडीशन में है मैं तो। ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि डायबिटीज़ क्योर हो सकता है, क्योंकि मैं डायबिटीज़ को कभी क्योर करता नहीं हूँ। मैं होम्योपैथी में व्यक्ति का इलाज है। जिस व्यक्ति को डायबिटीज़ है अच्छा, उसको डायबिटीज़ जैसे लक्षण हैं तो उन लक्षणों के आधार पर उसकी दवाई चलेगी। उन लक्षणों में जैसे जैसे सुधार आता जाएगा, पेशेंट को अपने आप अंदर से लगेगा कि हाँ मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, और वो रेगुलरली अपने जो है वो जाँच कराते रहें 7 दिन में, 10 दिन में। शरीर की अपनी अपनी प्रकृति है, आपके शरीर को कितना शुगर चाहिए वो शरीर पे निर्भर करता है, वही डिसाइड करता है।
हो सकता है आपके लिए 110 भी ज़्यादा हो खाली पेट, और किसी के लिए 250 भी जो है नॉर्मल हो। ये जो नंबर आते हैं ना, ये एवरेज नंबर होते हैं। कई हज़ारों या 100 पेशेंटों की स्टडी की जाती है, उनके आधार पर एक नंबर निकाला जाता है। दूसरा, ये नंबरों में जो है अडल्ट्रेशन भी होती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे स्वास्थ्य और शिक्षा व्यापारवाद की चपेट में है, तो उसका भी प्रभाव पड़ता है कि आज से 20 साल पहले जो है खाली पेट की 160 आती थी, तब भी बीमार नहीं होते थे, शुगर नहीं होती थी, और आज जो है वो घट के 110 पे आ गए, तब भी हुए। और अभी कुछ रिसर्च आ रही है कि अब फिर से 160 कर दिया गया है। शुगर के अलावा भी होम्योपैथ में आप किस टाइप के मरीज देखते हैं? इसके अलावा और कौन कौन से डिजीज के मरीज जो आते हैं? होम्योपैथी में बच्चा, बूढ़ा, जवान, स्त्री या पुरुष, इनको किसी भी प्रकार के, चाहे वो शारीरिक रोग हो किसी भी लेवल पे, किसी भी अंग से संबंधित, दूसरा बौद्धिक या मानसिक, इस कैटेगरी में जो भी रोग आते हैं, जो भी क्योरेबल इनक्योरेबल डिजीज़ है, सबका होम्योपैथी इलाज करती है। अब इसमें आप नाम पूछें तो नाम तो दुनिया भर के नाम है। आप डायबिटीज ले सकते हैं, थायराइड ले सकते हैं, टाइफाइड हो, शाइटिका का दर्द हो, कमर का दर्द हो, बच्चेदानी में गांठों की समस्या है, बच्चा नहीं लगना है, नींद नहीं आना है, टेंशन है, छाले हैं, अनगिनत नाम है, कितने नाम लो। चलिए लास्ट मेरा सवाल है, हर दवा का एक साइड इफेक्ट होता है, तो क्या जो आप होम्योपैथ की जो दवा देते हैं, ट्रीटमेंट देता है, इनका भी लंबे टाइम तक लेने से कोई साइड इफेक्ट होता है? होम्योपैथी दवाइयों का कभी कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म लेवल की दवाइयाँ हैं, एनर्जी लेवल पे ये काम करती हैं, जीभ पे रखते ही इनका असर शुरू होता है, और दवाइयाँ तो पेट में जाएंगी, खून में घुलेंगी, तब उनका एक्शन स्टार्ट होता है। ये तो नर्वस सिस्टम के थ्रू ही काम करती हैं, स्मेल से भी काम करती हैं। आपको एक और मैं मेरा केस बताता हूँ। एक साल की बच्ची, उसको निमोनिया, पिछले एक महीने से उसको निमोनिया था, बहुत सीवियर निमोनिया, पूरा शरीर नीला पड़ गया, अस्पताल में उसको वेंटिलेटर पर भर्ती कर रखा था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि भाई ये घंटे दो घंटे की है, इसको आप ले जाओ। अब वो गरीब परिवार मजदूर जयपुर, उसको ले जा नहीं सकता, तो उनके कोई रिश्तेदार जो है वो पहले से मुझसे परिचित थे, उनका फ़ोन आया कि डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे हमारी एक बच्ची हॉस्पिटल में है, और अब रात को 10 बज रहे हैं, अब क्या करें, उन्होंने तो बोल दिया जयपुर ले जाओ। तो मैंने उससे फ़ोन से ही हालचाल पूछे कि कैसा है, चेहरा कैसा दिख रहा है, क्या हो रहा है, तो उसके आधार पर मैंने उनको फॉस्फोरस 200 एक मेडिसिन सजेस्ट करी। तो कहा कि अब दें कैसे, वो मुंह में तो मास्क लगा हुआ है। डॉक्टर ने कहा कि भैया आप अपनी जिम्मेदारी पे हटाओ, ये मर भी सकती है। तो हम तो डरे हुए हैं, डॉक्टर साहब कैसे दें दवाई को। कोई बात नहीं, एक चम्मच में पानी लो, उसमें 4-5 बूंदें उस दवाई की डालो, और वो जो पेशेंट है एक साल की बच्ची, उसकी उंगली को 15-15 मिनट के अंतर से आप उस चम्मच में डिप करो। यहाँ से आप देखना कि होम्योपैथी काम कैसे करती है। तो उसने ऐसे ही 3 बार 15-15 मिनट के अंतराल से उसकी उंगली से टच कराई। सुबह 9 बजे वह उसको डिस्चार्ज करा के घर ले आए, आज वो बच्ची बिल्कुल ठीक है। चलिए तो दोस्तों, जो मुझे समझ में आया है, ओवरऑल होम्योपैथी पर्टिकुलर बीमारी का इलाज नहीं करती, ये जो बीमारी जिस एनर्जी से उत्पन्न होती है उस एनर्जी को जाके ठीक करती है। जो इंसान के अंदर जो एनर्जी होती है, आप एनर्जी बोल लो, ठीक है, बीटा सेल्स जो आपकी जो ब्लड सेल्स जो होती हैं वो आपको जो कार्बोहाइड्रेट को लेकर ना जो एनर्जी प्रोड्यूस करती है उसको बोल लो, किसी को बोल लो। तो यहाँ यही समझने की बात है कि होम्योपैथ आपका जो सिस्टम बिगड़ चुका है शरीर का एनर्जी लेवल, उस सिस्टम को सुधारती है, और सुधारने के बाद वो ट्रीटमेंट, वो बीमारी तो अपने आप ठीक हो जाती है। तो आप भी अगर शुगर का, डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट होम्योपैथ में करवाना चाह रहे हैं, तो आपके आसपास जहां से भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, देश के किसी भी कोने में या विदेश में, आपके आसपास कहीं भी कोई भी होम्योपैथ क्लिनिक रन कर रहा है, चला रहा है, डॉक्टर है, तो उनसे आप जाके मिल सकते हैं। मैं अभी डॉक्टर विनोद के पास हूँ, ये अलवर में हैं और अलवर से ये ट्रीटमेंट देते हैं। डॉक्टर साहब ऑनलाइन सर्विसेज भी आप देते हो क्या? ऑनलाइन भी मैं कंसल्टेंसी देता हूँ, मेरे ऑनलाइन लगभग देश विदेश में काफ़ी पेशेंट हैं। दवाइयाँ आप भेज देते हैं? कोरियर से भेज देते हैं। तो दोस्तों मैं इनके नंबर अभी नीचे जो है स्लाइड, यहाँ पर इनके नंबर चल रहे हैं और एड्रेस चल रहा है, आप इनके नंबर से इनसे बात कर सकते हो, अपनी बीमारी के बारे में इनको बता सकते हो, ऑनलाइन इनसे ट्रीटमेंट ले सकते हो, दवाइयाँ ले सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने जानकारी दी होम्योपैथ के बारे में। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपने दोस्त राजवीर को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, बाय बाय।